पूरा मजा मोहब्बत में और नबी के इश्क में डूब कर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जमाने की निगाहों ने वो नीचा मोहब्बत से बोलिएगा पूरा मजमा बोले जब तक हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह नहीं कहता तब तक मैं नहीं बोलूंगा। सारे लोग बोला तो उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और आप हजरात भी मोहब्बत के साथ आप हजरात भी इस जमाने की निगाहों में वो नीचा हो नहीं सकता कि जमाने नबी कह दे जिसे ऊंचा नीचा हो नहीं सकता। अच्छा एक शेर और सुनिए अब अपने जहनों दिमाग दिमाग सुन कर वो बला के तपते हुए सारा में लेके चलिए सुनिएगा शेर कि जमाने की कि हर एक जर्रा जमीन कर बनाता जो हम पर बोला कि हर एक कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और आखिरी शेर एक शेर ऐसा प्यारा शेर है कि सुनो आप जरा उनसे सबक हासिल करो कि जो मक्खियां हैं उनका पैगाम क्या है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता कि अगर मक्खी रूपे पाकी पहना शहर जो है मीठा होता है कि सीधा होता है। अरे जोर से बोलिए ना कैसा होता है। सारे लोग पीछे वाले लोग नहीं जाते शहर कैसा होता है। जरा जोर से बोलिए सुनिए कैसे मीठा होता है। सुनिएगा शेर कि अगर मक्खी दुरूदे पा बीच जो है एक शायर नहीं कई शायर है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब तक
पास नईमी साहब भी है और जनाब कौसर कलीमी साहब भी है। बाद है अली जनाब मुहतरम मोहम्मद हाशिम साहब के वो तमाम लड़के जिन्होंने अपने वालिदैन के नाम माँ के बिना बाप के बिना इस मंजिल पाक का इंतकाम किया और बस्मे मुस्तफा को सजाया, उलमा को बुलाया, आप सबों को भी आने की जहमत दी। यकीनन वो बच्चा बड़ा खुश नसीब होता है जो अपने माँ बाप का फरमा बरदार हुआ करता है, जो अपने माँ बाप के लिए जो है कसम खुदा की वो दुनिया की धरती पर जो है नेकी का जरिया पेश करता है। एक बात कहना चाहूंगा, ए मुस्तफा जाने रहमत के दीवा में, अरे तुम भी ऐसी औलाद पैदा करते जाना ताकि जब वो औलाद जब तुम कब्र की दुनिया में चले जाओ तो ये औलाद तेरे कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ता हुआ नजर पड़ती भी नजर आए, ये औलाद तुम्हारी कब्र पर जाकर के तस्बीहात पढ़ती भी नजर आए, तहमीदात पढ़ती भी नजर आए, अल्लाह का जिक्र करता हुआ नजर आए, या अपने घर पर जो है कुरान की जो है तिलावत करता हुआ नजर आए, या कुरान की तिलावत करवाता हुआ नजर आए। याद रखना, जब बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, जब बेटी अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है तो मौला तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है और रब अपने फरिश्तों में इनाम करता है। ये फरिश्तों सुनो सुनो, इन औलादों ने अपने माँ बाप के लिए अपनी आंखों को उठा दिया है, रहमत की भीख मांग रहा है, मगफरत की दुआ कर रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनके वालिदैन की मगफरत फरमा दी है, मैंने इनके वालिदैन के गुनाहों को माफ कर। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि हमारे पास बहुत काम है। वो बात कहने की नहीं है जो मैं आपको कहूंगा, मगर सुनिए आप एक बात। और एक आदमी हमसे कहा, ये मौलाना साहब आप लोग इतना सुभान अल्लाह बुलवाते हैं कि थक जाते हैं। हम क्यों थक जाते हैं? और आप झगड़ा जब करते हैं बीवी से तो नहीं थकते हैं क्या? और जब बीवी झगड़ा करती है तो क्या नहीं थकती है क्या? अल्लाह हु अकबर सुनो, अरे सुभान अल्लाह कहने से कोई थकता नहीं है। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, कसम खुदा की सुभान अल्लाह तुम जोर से कहो, अल्लाह तुम्हारे अंदर हवाओं की पावर को बढ़ा देगा, तेरी पावर को पूरा कर देगा। याद रखना कसम खुदा की, जब मैदान मशर में बंदा पहुंचेगा, अल्लाह हु अकबर कबीरा, तब तबारक तआला की बारगाह से आवाज आएगी, ये बंदा तू क्या लाया है? बंदा कहेगा, मौला मैं सुभान अल्लाह का परवाना लाया हूँ, मैं सुभान अल्लाह का तोहफा लेके आया हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा लेके आया हूँ। रब कहेगा, तूने कहाँ कहाँ था सुभान अल्लाह? बंदे कहेंगे, मौला महलबारी की सरजमीन थी, हाशिम साहब का दरवाजा था, अक्सर परवास नहीं आए थे, मौलाना शहाबुद्दीन आए थे, मौलाना जमील अख्तर आए थे, मौलाना शहरयार आए थे, मुफ्ती साबिर रजा आए थे, मौलाना आरिफ साहब आए थे, कौसर कली भी आए थे, मौलाना एहसान साहब आए थे। और उसी बस में जब अख्तर परवाज ने कहा था सुभान अल्लाह कहो, जब मौलाना जमील अख्तर ने कहा था सुभान अल्लाह कहो, जब मौलाना आरिफ ने कहा था सुभान अल्लाह कहो, तो हमने वहां पर सुभान अल्लाह कहा था, हमने वहां पर तेरे नाम की तस्वीर बयान की थी, हमने वहां पर सुभान अल्लाह कहा था, हमने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। रब की रहमत जोश में आती है, मगर रब पूछता है, एक बात बताओ तुमने महलबारी में सुभान अल्लाह कहा था? कहा हाँ कहा था। एक बात बताओ तुमने महलबारी में अल्हम्दुलिल्लाह कहा था? कहा हाँ कहा था। कहा एक बात बताओ, इसका कोई गवाह भी है? इसका कोई तुम्हारे पास आई फिटनेस भी है? तो बंदा कहेगा, मौला हाँ वहां पर मेरे पास गवाह भी है, इसलिए आरिफुल आदमी एक पैगाम देना चाहेगा। मैं आपको कहता हूँ जोर से कहो सुभान अल्लाह, तो आपको तकलीफ होती होगी। हम आके कहते हैं जोर से कहो सुभान अल्लाह। ओ बंदा याद रखना, जब मैदान मशर में रब पूछेगा, ओ बंदा बता तेरे पास गवाह है कि नहीं है, तेरे पास आई बिजनेस है कि नहीं है, तेरे पास गवाह है तो ला। तो बंदा अर्ज करेगा, मौला ए मौला महलबानी की सरजमीन पर अब हाशिम साहब के दरवाजे पर जब मैंने सुभान अल्लाह कहा था, दाए वाले भी मेरे सुने थे, दाए वाले भी मेरे सुने थे, आगे वाले भी मेरे सुने थे, पीछे वाले भी मेरे सुने थे, मैंने सुभान अल्लाह कहा था। अगर तबारक को ताला फरिश्तों से पूछेगा, ऐ फरिश्ते जरा पूछ ले उन लोगों से जो आगे थे उनके, जो पीछे थे उनके, जो दाएं थे उनके, जो बाएं थे उनके, के उन लोगों ने उसके सुभान अल्लाह को सुना या नहीं? तो ये सारे लोग गवाही देंगे, ए मौला फला आदमी ने जो है उस दरवाजे पर
मैं करके तेरे नाम की तस्वीर बयान की थी। सुभान अल्लाह कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। आगे वाले भी गवाही देंगे, पीछे वाले भी गवाही देंगे, दाएं वाले भी गवाही देंगे, दाएं वाले भी गवाही देंगे। ए मौला सब जो है ये गवाही दे रहे हैं कि ये सुभान अल्लाह कहा था। तब रब की रहमत मचल उठेगी, रब फरमाएगा ए फरिश्तों अब तो खाब, अब तो शाम हो गया, जाओ जाओ इसे जन्नत का परवाना अता कर दो, जाओ जाओ इसे जन्नत के बागो बहार में पहुंचा दो, जाओ जाओ इसे जन्नत के महल्लात में पहुंचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ अल मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। बिरादरान इस्लाम, मैं तकरीर की गर्ज से नहीं आया हूँ, तकरीरें तो हमारे उलमाए इकराम आपको सुनाएंगे, बस मैं इतनी ही बात कहने आया था कि आप मुझसे वादा कीजिए कि जब तक प्रोग्राम चलेगा अल्लामा शहरयार रजा साहब बोलते रहेंगे आप यहाँ से भाग कर नहीं जाएंगे। जरा हाथों को उठा करके वादा कीजिए, कौन लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? देख रहे बहुत सारे लोग ऐसे ठंडा लकवा मार दिया। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। फरिश्ते यहाँ पर गवाह है, कल मैदान महशर में ये फरिश्ते भी गवाह देंगे, ये गवाही देंगे मौला ये लोगों ने अपने हाथों को उठाया था, मैं गवाह हूँ। कसम खुदा की ये हाथ उठाना तेरा रायगा नहीं होगा, कल